सबको जानकारी हो गए होंगे कि आज सदन में सुबह से क्या हो रहे हैं। आज बीएसी की मीटिंग में हमारी पार्टी की तरफ से हमारा ये मांग था कि जब हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली सांप्रदायिक दंगा की शिकार हुई है, जहां अंधाधुंध हिंसा हुई है, बहुत सारे लोगों की हत्या हुई है, अभी भी लाश निकल रहे हैं यहाँ से वहाँ से, तो इस तरीके की भीषण और गंभीर जो परिस्थिति पैदा हुई है दिल्ली में, सारे देश में इसका आलोचना होते हैं। सिर्फ सारे देश में नहीं, विदेश में भी दिल्ली की ये हिंसा, अगजनी, पथरावबाजी, हत्या, ये सारे चीज को लेकर सारे विश्व में चर्चा हो रही है। तो हमें सदन में इस विषय को रखने का, उठाने का मौका देना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग था। और साथ साथ हमने ये भी मांग किया कि कौन जिम्मेदार है दिल्ली की इस हिंसा फैलने के लिए और ये दंगा फैलने के लिए, किसकी गलती से इस तरीके की इतना हिंसा हत्या हुई है। ये सारे चीज को सामने रखकर सदन में एक चर्चा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आए, गृहमंत्री आए, सदन में बात रखे, चर्चा करे, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के आम लोगों की ये चाहत है कि इस विषय को लेकर सरकार अपना बात रखे। और इसी मुद्दे को लेकर सुबह से हम लोग बार बार सदन में हमारा बात रखने की कोशिश की, बार बार गुजारिश की कि आम लोगों की नाते कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात रखने का मौका दिया जाए, लेकिन एक के बाद एक बहाना बनाकर हमें ये बात रखने का मौका नहीं दिया गया। बार बार हमें बात रखने का मौका को टालने का सारे कोशिश सत्तारूढ़ पार्टी ने की और बार बार सदन स्थगित होने देखा हम लोग। सबसे बड़ी तज्जुब की बात यह है कि इसी हालत में भी जब दिल्ली झुलसे हुए हैं, अभी भी लाश निकल रहे हैं, तभी भी ये सत्तारूढ़ पार्टी को लगा कि विवाद से विश्वास बिल लाना जरूरी है, और वो बिल में हमें भी चर्चा करने के लिए भाग लेने की इच्छा जताई थी, लेकिन हमें बिना पूछे बिना बताए ये बिल की चर्चा शुरू कर दिए और सत्तारूढ़ पार्टी के लोग खड़े होकर हमारे पार्टी के नेत्री उनकी परिवार को अनाप शनाप गाली गलौज करने लगे, साथ साथ बिल को बुलडोज करके निकालने का कोशिश किया गया। लेकिन इस बिल में हम भी भाग लेने का इच्छा जताई, हमें भी इस चर्चा में योगदान करने का मंशा है, लेकिन फिर भी आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के ये सत्तारूढ़ पार्टी के कहने का मुताबिक ये सदन आज चले, और इसके लिए हमें बात रखने का मौका नहीं मिला। दुखद बात यह है कि हमारे पार्टी की एक महिला सांसद केरल की, दलित भी आयो, दलित सांसद केरल की बच्ची है, उन पे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हाथ उठाई, वो भी वहाँ रोने लगे, कहने लगे कि सदन के अंदर हम दलित महिला के ऊपर अगर अत्याचार हो तो बाहर क्या हो सकता। तो इस तरीके की घटना की आज सदन में हमें देखने को मिला। हमारा प्रोटेस्ट, हमारा
विरोध जारी रहेगा, क्योंकि दिल्ली की दंगा, ये हत्या, अगजनी, पत्थरबाजी, भड़काऊ वाले भाषण कौन करते हैं, कैसे होते हैं, इसके पीछे साजिश क्या है, ये षड्यंत्र क्या है, ये आम लोगों को सामने उजागर करना ये भी मेरा फर्ज होते हैं, और हम लोग ये फर्ज निभाने में पुरजोर कोशिश करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।